क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 8 में कहा गया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट दिया जाता है। शंकु के आकार का एक खोल काटा जाता है एक बेलन में से, ठीक है। अब उस बेलन में से काटा जा रहा, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो दे रहा है इन्होंने 2.4, तो वो शंकु की ऊंचाई 2.4 होगी। कहा है इन्होंने कहा है जो बेलन का व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वही शंकु का व्यास भी होगा। ये कहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो पहले आप लोग इसको आकृति बनाओगे कि कोई बेलन है, यह हम बेलन ले रही है और इसमें से इतनी ही ऊंचाई वाला, तो हमने मान लिया कि ये कोई शंकु काट है इसमें, ठीक है। अब ये शंकु काट दिया तो एक तो इसकी ऊंचाई है बेलन की कितनी है भाई, 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो तो है 1.4 सेंटीमीटर, व्यास तो है 1.4 सेंटीमीटर का, और त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर की हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। अच्छा और क्या दिया है, इसकी त्रिज्या दी है, सॉरी इसकी ऊंचाई, क्योंकि इन्होंने कहा जो बेलन की ऊंचाई वही इसकी ऊंचाई किसकी, शंकु की, तो 2.4 इसकी ऊंचाई होगी किसकी, शंकु की, ये 2.4 हो गई, ठीक है सेंटीमीटर। इसके बाद और क्या कहा है, और कुछ नहीं है, आगे निकालते हैं, ठीक है। तो देखना आप लोग सबसे पहला हमारे लिए जो दिया को लिख लेते हैं, हमारे लिए बेलन की ऊंचाई दी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है इसकी आर, वो है हमारे 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद शंकु, शंकु की